हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसज जॉन्डिस एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट पैथोफिजियोलॉजी कोजिस सिम्टम्स ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ दिस सो स्टार्ट इन दिस लेक्चर

तो सबसे पहले आपको ये डेफ़िनेशन जो है वो उसकी याद रखनी है कि जॉन्डिस इज़ ए कंडीशन कि जैसे अलग अलग डिसीज कंडीशन होती है उसी तरह से जॉन्डिस भी एक डिसीज कंडीशन है जिसके अंदर स्किन वाइट्स ऑफ द आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न्स येलो बिकॉज ऑफ अ हाई लेवल ऑफ़ बिलीरुबिन अ येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट इन आवर बॉडी तो यहाँ पे ये जो देख सकते हैं पिक्चर के अंदर की जो स्किन है तो स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो आप देख सकते हैं काफ़ी येलोविस तो येलोविस पिगमेंटेशन जो है वो स्पेशली देखा जाता है पेशेंट के अंदर ए जॉन्डिस और उसका जो मेन रीज़न जो आप देखें तो हाई लेवल ऑफ़ बिली रूबिन यहाँ पर लिखा है कि हाई लेवल ऑफ़ बिली रूबिन और जो बिली रूबिन है वो येलो कलर का बाइल पिगमेंट होता है और उसका जब इंटे बॉडी के अंदर अमाउंट इंक्रीज होती जाती है ऐसे ऐसे पेशेंट के अंदर इस तरह के येलोविस जिसकी बॉडी के आप साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं एंड ये कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस सो जॉन्डिस हैज ए मैनी कोजिज़ इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस गैलस्टोन एंड ट्यूमर कि जब गैलस्टोन होते हैं किसी पेशेंट को ट्यूमर है या फिर हेपेटाइटिस है तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब पेशेंट के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर बिली जब प्रोड्यूस होता है और वो कंडीशन को फिर हम कहते हैं जॉन्डिस सो इन एडल्ट्स जॉन्डिस यूजली डजेंट नीड टू बी ट्रीटेड कि पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो डिसीज़ क्योर भी हो जाती है बट ऐसे मेजर थेरापीस की ज़रूरत नहीं पड़ती बट बड़ मेन जो कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपका जो बॉडी है वो येलो विस देखना स्टार्ट कर देता है एंड जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस और हिंदी में उसको पीलिया भी कहा जाता है कि पेशेंट को पीलिया हुआ है तो जॉन्डिस के बारे में आगे जानते हैं डिटेल में कि जॉन्डिस ऑल्सो नैन एज ए इक्टेरस ये वाला एक पॉइंट खास याद रखो एम के लिए कि ऑल्सो नॉन एज एक्टेरस इज़ ए येलो विश और ग्रीनिश फ्रिगमेंटेशन ऑफ द स्किन कि येलो विश पिगमेंटेशन खास आप प्रायोरिटी में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो नॉर्मल से अल्टर होकर कैसा हो जाता है येलो विश हो जाता है एंड वाइट्स ऑफ आइज़ ड्यू टू हाई बिलीरोबिन लेवल तो मेन यहाँ पे रीज़न है येलोविस होने का वो है ये बिली रूबिन का लेवल कि जो नॉर्मल से काफ़ी इंक्रीज़ होता है और जिसके कारण पेशेंट के अंदर ये येलोविस और ग्रीनिश पिगमेंटेशन जो है वो देखा जाता है इन्हें स्किन सिम्टम्स इंक्लूड द येलोविस ऑफ द स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आइज़ सब न्यूबॉन्स में रिक्वायर लाइट थेरापी फॉर ए डे और सो इन अदर केसेस ट्रीटमेंट इनवॉल्स द एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कोजिज कि जो कोजिज़ है उसको जब आप ओवरकम कर लेते हो तो ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की हो जाती है तो ये है जॉन्डिस तो जॉन्डिस के अंदर आपको जानना जरूरी है रिगार्डिंग द बिली रूबिन तो बिली रूबिन क्या है तो बिली रूबिन इज़ ए येलो विथ सब्सटन्स इन योर ब्लड कि हमारे ब्लड के अंदर ही ये बिलीरुबिन जो है वो फॉर्म होता है और वो कैसे फॉर्म होता है तो ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ए ब्लड सेल और स्पेशल जो आर है रेड ब्लड सेल आर समझो कि जब ब्रेक होता है तो वो फर्दर कन्वर्ट होता है बिली के अंदर तो ये ख़ास आपको याद रखना है बिली के अंदर वो कन्वर्ट होगा और यह बिली रूबीन जो है वो ट्रैवल करेगा लीवर के अंदर फिर गैलब्लेडर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक बिफोर बीइंग एक्सक्रिएटेड कि ये एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है कि उसका तो एक्सक्रिएशन होगा फर्दर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो के बट सबसे पहले वो ट्रैवल होके लीवर में पास होना जरूरी है कि जहाँ पे लीवर उसका अच्छे से करेगा मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म करने के बाद लीवर जो है वो उसको एक्सक्रिएट करने में हेल्प करेगा थ्रू किडनी एंड जी आई ट्रैक है जी आई ट्रैक एज़ वेल एज किडनी के, well के थ्रू उसका जो एक्सक्रिएशन होगा उसके अंदर ये हेल्प करेगा तो अब क्या होता है टिपिकली बेरीबिन लेवल्स फॉल समवेयर बिटवीन द जीरो पॉइंट एंड 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिली रूबिन का जो लेवल है नॉर्मल लेवल 0.3 से लेकर 1.2 पॉइंट पर डी एल ये आपको ख़ास याद रखना है नॉर्मल लेवल कि जब डिसीज़ कंडीशन होती है तो ये लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है और जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस तो यहाँ पे बाजू में डायग्राम है कि तीन अलग अलग तरह से ये फॉर्म हो सकता है एक तो रेड बल रेड सेल्स के डिस्ट्रक्शंस के कारण हीम प्रोटीन का कैटाबोलिज्म और तीसरा है मेरो इरिथ्रोपोइसिस ये तीनों अलग अलग कोजेस के कारण वो बिली जो है वो फॉर्म होता है ये बिलीरुबिन जो है वो ट्रैवल करता है स्पेशली लीवर के अंदर फिर जो जीआई आई है वहाँ पे और फिर थ्रू आ, स्टूल स्टूल के थ्रू या फिर किडनी के द्वारा यूरिन के फॉर्म में वो जो है वो हमारे बॉडी में से एक्सक्रिएट हो जाता है बट जब कंडीशन uh, एबनॉर्मल होती है उस वक्त ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से फॉलो नहीं होती जिसके कारण बिली रूबिन का जो लेवल है आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता जाता है और वो कंडीशन को फिर हम कहते हैं जॉन्डिस सो बिली रूबिन इज़ अ येलो सब्सटेंस दैट द बॉडी क्रिएट वैन इट रिप्लेस द ओल्ड रेड ब्लड सेल की जब जो नॉर्मल हमारे बॉडी का प्रोसेस होता है उसके अंदर रिप्लेस किए जाते हैं ये आर बी सी के आर बी सी जो है वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो और आर बी की जगह आ जाते हैं न्यू आर बी सी नए रेड ब्लड सेल वहाँ पर फॉर्म हो जाता है बट ये जो पुराने आर बी सी होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और वो चाहे उसका हम डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं ब्रेकडाउन कह सकते हैं और फिर ये आर कन्वर्ट हो जाते हैं बिली रूबिन के अंदर बट जब डिसीज़ कंडीशन होती है तो ये वाला प्रोसेस तो होगा ही बट बिली रूबिन का फर्दर लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और फर्दर वो जो है वो जी ट्रैक और यूरिन द्वारा एक्सक्रिएसन नहीं होगा जिसके कारण उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा द लीवल हेल्प्स ब्रेक डाउन द सब्स्टन सो इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द्लॉडी इन द स्टूल कि अब क्या होता है कि जब बिली रूबिन तो ये बन गया बट उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है ये लीवर बट किसी कारण सर किसी पर्सन का जो लीवर डैमेज हुआ है तो फिर अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा ब्रेकडाउन नहीं होगा और एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा तो ये खास नॉर्मल कंडीशन सोचिए आप कि द बिली रूबिन इज़ अ येलो सब्सटेंस कि येलो कलर का वो सब्सटेंस है कि जो हमारी बॉडी क्रिएट करती है व्हेन रिप्लेस द ओल्ड आर और ओल्ड आर के ब्रेकडाउन के कारण बिली रूबिन फॉर्म होता है यह बिली रूबिन को ब्रेक डाउन करने के लिए लीवर हेल्प करता है एंड उसको रिमूव करवाता है फ्रॉम वर बॉडी इन स्टूल एंड ऑल्सो थ्रू द यूरिन आगे क्या कहते हैं कि अ हाई लेवल ऑफ बिली रूबिन मेक्स अ बेबी स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आई लुक्स येलो कि वाइट सॉप कर देगी आपकी आई को एंड जिसके कारण आइज भी आपकी वाइट सॉरी येलो uh, दिख रही है यहाँ पे देख सकते हैं एंड आपकी जो स्किन है वो भी येलोविस जिसके कारण हम उसको पीलिया कहते हैं और उसके अंदर मेनली इंक्रीज़ होता है ये बिली का लेवल सो दिस इज़ कॉले जॉन्डिस तो यहाँ तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी जॉन्डिस के बारे में तो इफ़ बिलीरुबिन लेवल्स आर हाई सब्सटेंस फॉर्म वेन बाइल इज़ ब्रोकन डाउन में एक्यूमलेट एंड कोजिंग ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी तो सबसे पहले जो फर्स्ट सिम्टम जो है उसके अंदर पाए जाते हैं वह आप देखो तो वो है ईचिंग जब बिली रूबिन का लेवल हाई हो जाता है एंड वो जो है वो एक्यूमलेट होता है आपकी बॉडी के अंदर कि एक्यूमलेट होना मतलब कि जमा होना कि बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा एक्यूमलेट होता जाएगा और उसका जो लेवल है फिर धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज़ होगा और जिसके कारण जो भी पेशेंट के अंदर ये कंडीशन फॉर्म होती है उसको स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट जो सिम्टम है वो इचिंग उसके अंदर देखे जाएंगे फिर क्या होता है बट जॉन्डिस इट सेल्फ कोज फ्यू अदर सिम्टम्स इन एडल्ट के जो आगे हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे डिटेल में मैनी डिसऑर्डर्स दैट कोज द जॉन्डिस पार्टिकुलरली पर्टिकुलरली सीवियर लिवर डिसीज़ कोज अदर सिम्टम्स और सीरियस प्रॉब्लम स्पेशली जब लीवर डिसीज़ होती है तो उसके कारण पेशेंट को जॉन्डिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं सो so, जॉन्डिस के टाइप्स क्या है तो जॉन्डिस के टोटल तीन टाइप्स है एक है प्री हिपेटिक जॉन्डिस सेकेंड है हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस एंड थर्ड है पोस्ट हिपेटिक तो ये तीन उसके टाइप खास याद रखो प्री हिपेटिक पेटोसेल्युलर और तीसरा पोस्ट हिपोटिक टाइप का जॉन्डिस इन प्री हिपेटिक जॉन्डिस देर इज एक्सेसिव आरबीसी ब्रेक डाउन विच ओवरवेम्स द लीवर्स एबिलिटी टू कॉन्जुगेट बिलीरुबिन अब क्या होता है कि ये जो प्री हिपेटिक जॉन्डिस है उसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाते हैं आर बी सी का ब्रेकडाउन होता है एक्सेसिव आर का ब्रेकडाउन हुआ अब जितने आर का ब्रेकडाउन हुआ है और उसमें से ये बिली रूबिन आपका जो बना है उतने सामने मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर उसके फर्दर लिवर के पास उसने एबिलिटी नहीं है टू कॉन्जुगेट दैट बिली रूबिन जिसके कारण क्या होगा जितनी एबिलिटी होगी उतना बिली रूबिन जो है वो एक्सक्रिएट होगा कि एक पोर्सन बिली का जो है वो एक्स हो रहा है बट बाकी का जो है वो एक्यूमलेट होता जाएगा ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट कि जब एक्सेसिव बिली रूबिन होगा तो कुछ अमाउंट वाला बिली रूबिन यहाँ पर एक्यूमलेट होगा और उसमें से कुछ ही एक्सक्रिएट होगा तो एक्सक्रिएसन का लेवल देखें एक्सक्रिएसन का लेवल डिक्रीज होगा और एक्यूमलेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा कि जिसके कारण धीरे धीरे बिलीरोबिन का लेवल नॉर्मल से काफ़ी हाई हो जाएगा बॉडी के अंदर और जो कंडीशन फिर हम कहेंगे हाइपर और जिसके कारण होगा फिर जॉन्डिस सो so ये है जॉन्डिस के कोजिस के liver, कि एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर की ये जो लीवर है हमारे बॉडी का उसका हो रहा है इन्फ्लेसन नेक्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे ये एरो करके दिखाया हुआ है कि ये बाइल डक्ट के थ्रू जो बिली रूबिन है वो पहुँचता है ये लीवर के अंदर फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। बट समझो कि ये बाइल डक्ट का ही इन्फ्लेमेशन हो रहा है प्लस साथ में ऑब्सट्रक्शन हो रहा है कि बाइल डग का ऑबस्ट्रक्शनस भी हुआ और साथ में इन्फ्लेमेशन हुआ जिसके कारण ये जो रास्ता था कि जो रास्ते के थ्रू ये हमारा बिली रूबिन पहुँचता था ये लीवर के अंदर फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म तो वो रास्ता उसके लिए बंद हो गया तो जितना भी आर के ब्रेकडाउन से बिली बनेगा वो सब बिली रूबिन क्या होगा एक्यूमलेट होगा या फिर उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा ऑफ ए बिलीरुबिन और जिसके कारण जो है वो जॉन्डिस फॉर्म होगा फिर हीमोलाइटिक एमिनीमिया है एंड गिलबर्ट्स सिंड्रोम के जिसके अंदर लीवर डज नॉट प्रॉपरली प्रोसेस बिलीरुबिन के बिलीरुबिन का जो प्रोसेस करना है अच्छे से वो लीवर जो है वो नहीं कर पाता जिसके कारण ये जॉन्डिस होते थे तो मेन कोजिस के अंदर एक तो लीवर का इन्फ्लेमेशन कि समझो कि बाइल डक्ट सही है आपकी बट लीवर डैमेज है और समझो कि लीवर सही है बट बाइल डक्ट अच्छे से काम नहीं करते या फिर उसका इन्फ्लेमेशन है ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी आपका बिली रूबीन जो है वो लीवर के अंदर नहीं पहुंच पाएगा और जिसके कारण जो है वो जॉन्डिस होगा सो इट इज़ कॉज ड्यू टू दूमलेसन ऑफ बिली रूबीन इन द ब्लड एंड बॉडीज़ टी सू की यह है उसका मेन कोज और जो रीज़न है कि जिसके कारण किसी भी पर्सन को ये जॉन्डिस होता है फिर बिली रूबीन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज जनरेटेड वेन आर बी सी इज ब्रेक डाउन तो ये पूरा आप फ्लो चार्ट अच्छे से समझिए कि सबसे पहले बिली रूबीन जो है कि बिली रूबिन इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ जनरेटिड वैन आर बी सी इज़ ब्रेक डाउन कि हमारे बॉडी के अंदर ये हमारे नॉर्मल आर बी सी है ये आर बी सी जब ओल्ड हो जाते हैं ओल्ड आर बी सी तो उनकी जगह लेने के लिए आ जाते हैं न्यू आर बी सी बट ये जो ओल्ड आर बी सी है वो फर्दर क्या हो जाते हैं ब्रेक होते हैं और ये ब्रेक होकर जो नया वेस्ट सब्सटेंस बनाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं वो है बिली रूबिन की जो येलो कलर का होता है अब ये जो बिली रूबिन है फर्दर ट्रैवल करता है लीवर के अंदर सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम वेयर इट इज़ देन कम्बाइन विद डाइजेस्टिव फ्लूड कॉल्ड बाइल कि जो आप बाइल है उसके साथ ये बिली रूबिन जो है वो कंबाइन होता है देन यूजअली बेली रूबिन इज डिस्चार्ज थ्रू द स्टूल एंड रिमेनिंग इज एक्सक्रिएटेड थ्रू यूरिन कि जब हमारा स्टूल फॉर्म होता है तो स्टूल के साथ ही बेली रूबिन जो है वो आ, डिस्चार्ज हो जाता है जिसके कारण जो स्टूल का कलर भी हम देखते हैं येलोविस होता है उसके बाद यूरिन के अंदर भी एक्सक्रिएट हो जाता है इसके कारण यूरिन भी कई बार स्लाइटली येलोविस होता है बट इफ़ बिली रूबिन इज कैन नॉट बी प्रोपेल थ्रू द लीवर इट गेट एक्यूमलेट्स इन ब्लड एंड कोजिंग द जॉन्डिस अब जब ये बिलीरुबिन ही एक्सक्रिएट नहीं होगा कि ना ही स्टूल के थ्रू वो एक्सक्रिएट हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है या ही ना ही यूरिन के थ्रू बिकॉज उसका कोई मेटाबोलिज्म ही नहीं हो रहा है अच्छे से उसका ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है कि जिसके कारण वो स्टूल या फिर यूरिन के थ्रू एक्स क्रिएट हो सके तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है वो एक्यूमलेट होता जाएगा ब्लड के अंदर और जिसके कारण जॉन्डिस फॉर्म होता है कि रेड ब्लड सेल डाउन होते जाते हैं बट फर्दर जो बिलीरुबिन बनता है उसका अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं होता और वो एक्स नहीं होता सो दीज़ आर द सिम्टम्स ऑफ ए जॉन्डिस कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इचीनेस कि यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट के अंदर आप इंचीनेस पाई जाती है फर्स्ट सिम्टम सेकंड इज़ एब्डोमिनल पेन वेट लॉस वॉमिटिंग पेलर देन यूजल स्टूल ए फर्टिक एंड डार्क यूरिंग तो इंचीनेस पेशेंट को पूरा दिन इचिनेस रहेंगे एब्डोमिनल पेन यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद वेट लॉस अनएक्सप्लेन वेट लॉस बिकॉज रिड्यूस इन एपेटाइट कि भूख ही नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा फिर ये दो कंडीशन मिक्स होने के साथ साथ नोजिया इन वॉमिटिंग होती है माइल्ड फीवर रहता है पेशेंट के अंदर फटिक होगा फिर उसके कारण कि जि, जिसको हम कहेंगे थकान होना बिकॉज इस तरह से होने से पेशेंट की जो यहाँ पे दिखा है कि बैटरी लो ही रहेगी बिकॉज ना ही उसको एनर्जी मिल रही है थ्रू एपेटाइट और जो भी समझो कि कुछ एनर्जी है वो लॉस हो रही है ड्यू टू नोजिया एंड व्योमिटिंग एंड फीवर साथ में एब्डोमिनल प्लेन फ्लू लाइक सिम्टम सभी के कारण एनर्जी भी उसकी यूज़ हो जाएगी और नई एनर्जी सामने वो अपटेक नहीं कर पाता तो फर्टिक खास रहेगा और ये मेन सिम्टम येलोविज ऑफ स्किन एंड आइज़ कि आँखें एंड स्किन दोनों जो है वो येलोविस हो जाते तो ये है उसके मेन जॉन्डिस के सिम्टम्स आगे जानते हैं लेक्चर के अंदर अब डिटेल में रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस डिसीज तो जॉन्डिस रिजल्ट फ्रॉम हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड की जब ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ़ बिलीरुबिन होता है तो वो कहा जाता है जॉन्डिस तो बिलीरुबिन इज द नॉर्मल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ कैटाबोलिजम ऑफ हीम या फिर आर बी सी एंड थर्स इस फॉर्म फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए आर बी सी की जब रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसके कारण बिलीरोबिन जो है वो फॉम होता है अंडर नॉर्मल सरकमटन्सिस बिलीरोबिन अंडर गोज कॉन्ज्यूगेसन विद इन द लिवर एंड मेकिंग इट वाटर सॉल्यूबल अब जब नॉर्मल कंडीशन होती है किसी भी पेशेंट के अंदर तो ये जो बिली होता है वो कॉन्जुगेशन करता है विद इन लीवर के लीवर के अंदर सिंपली कहे तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है एंड मेकिंग इट वाटर सॉल्युबल कि ये जो आपका बिली रूबिन है वो फर्दर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है और वो फर्दर स्टूल के अंदर कंबाइन होगा या फिर यूरिन के अंदर मिक्सअप हो गए बॉडी में से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा इट इज़ देन एक्सक्रिएटेड बाय द बाइल इन टू द जी आई ट्रैक द मेजोरिटी ऑफ विच इज़ इजेस्टेड इन द फीसिस एज ए यूरो एंड स्टार्कोबिलिन कि ये जो फीसीस या फिर स्टूल के थ्रू वो जब बॉडी में से बाहर निकल जाता है तो उसका जो फॉर्म होता है वो होता है कि यूरोबिलिनोजन या फिर स्टेरकोबिलिन द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ यूरोबिलिनोजन तो जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मिली वो एक्सग्रेट हो जाएगी एन अराउंड टेन परसेंट जितना यूरोबिलिनोजन रीऑबसॉर्ब करेगी हमारी किडनी और बाकी का नाइन्टी परसेंट जितना वो एक्सक्रिएट कर देगी सो जॉन्डिस अकर्स वेन दिस पाथवे इज़ डिसरप्टेड कि जब ये नॉर्मल पाथवे आपका डिस्टर्ब हो गया तो वो कंडीशन को फिर कहेंगे हम जॉन्डिस तो सिंपल मैं आपको ये समझाऊँ यहाँ पर देखिए आप ये डाइग्राम के अंदर कि जब आपको एग्ज़ाम के अंदर ये पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है तो ये वाला डायाग्राम आप खास ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले है आपके पास ये हीम हीम के अंदर प्रेजेंट है आपके रेड ब्लड सेल तो उनका फर्दर हीम ऑक्सीजिनेस एंजाइम के कारण यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है तो हीम ऑक्सीजिनेस वो कन्वर्ट करता है हीम को बिलीवर्डिन के अंदर अब ये बिलीवर्डिन का होगा रिडक्शन इसके लिए एक और एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो है बिलीवर्डीन रिडक्टेस और यहाँ पे हमें मिला ये बिली रूबिन तो इस तरह से बिली रूबिन जो है वो फॉर्म हुआ तो जब डिटेल पैथोफिजियोलॉजी आप लिखो तो ये फ्लो अच्छे से आप दिखाओ कि यहाँ पे ड्यूरिंग द मैक्रोफेज ये प्रोसेस जो है वो होती है और फर्दर क्या होता है ये बिली जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू पहुँचता है लीवर के अंदर अब यहाँ पे लीवर के अंदर उसका कन्वर्जन होता है यूरोबिलिनोजन या फिर स्टेरकोबिलोजन में से स्टेरकोबिल के अंदर और फर्दर ये जो है वो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड के अंदर वो कन्वर्ट हो गया अब ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड फर्दर चाहे यूरिन हो या फिर स्टूल दोनों के साथ कंबाइन होकर बॉडी में से आपके बाहर निकल जाएगा एक्स हो जाएगा या फिर इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल के थ्रू या फिर किडनी में गया तो बाय यूरिन वो एक्सक्रीट हो जाए तो ये आपको डायग्राम अच्छे से लिखना है कि सबसे पहले तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ कि हीम का ब्रेकडाउन हो के बिली रूबिन बना तो कैसे बन रहा है तो पैथोफिजियोलॉजी लिखो तब ये दो एंजाइम ख़ास याद रखो बिली वर्डिन एंड हीम ऑक्सीजीनस दो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते तो यूजली बिली रूबिन बना वो कहाँ पे पहुँचता है बाइल डक के अंदर कि जो बाइल के साथ फिर वो मिक्स हो जाता है वो बाइल के अब कहाँ पे आता है लीवर के अंदर आता है कि जहाँ पे उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स बनते हैं वो थ्रू फेसेस मतलब कि थ्रू स्टूल या फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता तो, तो यह है नॉर्मल कंडीशन। बट जब किसी पेशेंट का ये समझो कि लीवर का ये पोर्सन जो हम कह रहे हैं ये लीवर ही उसका डैमेज है या फिर बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन है या फिर बाइल डक्ट का कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन है कि जैसे हमने आगे देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए बाइल डक्ट या फिर लीवर डैमेज है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा ये वाली प्रोसेस तो होती ही रहेगी जिसके कारण बिली रूबिन का लेवल कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा कि समझो हम सिंबल से दिखाए तो वो तो प्लस प्लस होता ही जाएगा बट यहाँ पे वो माइनस हो ही नहीं रहा जिसके कारण उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा और वो कंडीशन को हम कहते हैं फिर जॉन्डिस तो अब जॉन्डिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है वो अब समझते हैं कि एनी पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ जॉन्डिस शुड हैव द फॉलोइंग ब्लड टेकन कि फर्स्ट लीवर फंक्शन टेस्ट कि जिसको एल कहा जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट एज समराइज इन टेबल कि जो आगे हम टेबल देखते हैं उसके अंदर देखेंगे फिर कोएगुलेशन स्टडीज पीटी कैन बी यूज एज ए मार्कर ऑफ लीवर सिंथेसिस फंक्शन, एफ बी सी एनिमिया रेज एम सी वी एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऑल सीन इन लीवर डिस एंड यू एन डी एस एंड स्पेशलिस्ट ब्लड टेस्ट या समराइज बिलो इज़ पार्ट ऑफ ए लीवर स्क्रीनिंग की ये जितने भी टेस्ट के जो यहाँ पर नाम दिए हैं, वो आपको एम सी क्यू के लिए याद रखने हैं स्पेशली कि लीवर फंक्शन टेस्ट स्पेशली लीवर का ही आपको चेक करना है कि लीवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं तो उसके लिए इस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं आप कि अलग अलग जो मार्कर्स होते हैं कि लाइक बिली रूबिन तो क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ एनी सस्पेक्टेड जॉन्डिस कि सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट करोगे कि किसी पर्सन का और जो नॉर्मल लेवल है कि हमने देखा कि 0.3 से लेकर 1.2 पॉइंट टू पर डी ये नॉर्मल वैल्यू है बिली रूबिन की जब आप किसी पर्सन का ब्लड टेस्ट करते हो और ये लेवल एनहांस मिल रहा है नॉर्मल कंडीशन से तो प्राइमरी वो कंफर्म हो जाएगा कि जॉन्डिस है प्लस आप उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि येलोविस् पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है तो उससे भी वो डिस कंफर्म होगी फिर एक और मार्कर है वो है एल्बोमिन मार्कर ऑफ लीवर सिंथेसिस सिंथेसाइजिंग फंक्शन कि लीवर का सिंथेसाइजिंग फंक्शन अच्छे से हो रहा है नहीं वो पता लगाएगा ए एस टी एंड ई एल टी मार्कर ऑफ हिपिटोसेल्यूलर इंजरी ए एस टी एल टी क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिटेल में फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेस रेज इन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल एज बॉन्ड डिसीज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड सर्टेन मैलेग्नेंसिस के कुछ मेलेग्नेंसिस के दौरान या फिर जब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस वक्त ये कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं फिर गामा सिटी मोर स्पेसिफिक फॉर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन देन ए एल पी हावेवर नॉट रूटीनली परफॉर्म तो ये अलग अलग ब्लड मार्कर्स कि ब्लड के अंदर जो अलग अलग ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका लेवल जो है वो स्पेशली चेक करते हैं तो देखते हैं कि वॉट इज एल टी इज एल पी तो इन जनरल इफ़ द कोजिज ऑफ जॉन्डिस द सीरम आल्कलाइन फॉस्पिटिस कि जिसको हम ए एल पी कहते हैं एंड गामा ग्लूटामाइल पेप्टीडिस जी जी टी इसको कहा था जी मतलब कि गामा और सेकंड जी मतलब कि ग्लूटामाइल एंड पी मतलब कि पैप्टिडिस लेवल विल बी प्रीडोमिनेंटली एलिवेटेड कि जब आपके डिटेल ब्लड टेस्ट की जाती है तो ए का लेवल भी पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज होता है एंड जी उसके बाद इफ द कोज इज ग्लोबल हिपेटोसेल्यूलर डिसफंक्शन द एल ए नाइन एमिनो एल टी एंड एस्पार्टेट एमिनोट्रांसफरेज ई एस टी विल ऑल्सो प्रीडोमिनेंटली एलिवेटेड की मतलब कि ये जितने भी अलग अलग मार्कर्स है वो सभी का अमाउंट जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो एलिवेटेड होगा तो बिली रूबिन के साथ साथ ये जो उसके फॉर्म से फिर जो अलग अलग सीरम के अंदर जो होते हैं उससे पता चलेगा कि लीवर अच्छे से उनका मेटाबॉलिज्म कर रहा है या नहीं तो उससे आपका पता चलेगा कि लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको स्पेशली कहा जाता है यहाँ पे हमने ये देखा कि लीवर फंक्शन टेस्ट कि आपको सबसे पहले जॉन्डिस के डायग्नोसिस के अंदर यही पता लगाना है कि आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं तो उसके लिए ये अलग अलग ये मार्कर्स होते हैं कि ब्लड मार्कर्स कि जिससे आपको पता चलता है डायग्नोसिस के बारे में तो एम के लिए आपके लिए ये टेबल मोस्ट आई एम पी के सिग्निफिकेंस और ब्लड मार्कर दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं सो so, उनके ये फुल फॉर्म्स भी याद रखो यहाँ पे व्हाट इज़ ए एल पी व्हाट इज जी जी टी व्हाट इज़ एल टी एंड वाट इज़ ए एस टी तो ये सब अच्छे से याद रखिए बाकी की जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है ये डिसीज़ के बारे में उसके और टाइप थोड़े डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड के अंदर सो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट ऑल्सो ज्वाइन इन व्हाट्सएप ग्रुप थ्री दिस नंबर ऑफ ज्वाइनिंग WhatsApp number. Also, subscribe the channel. Also, use the app Farmarox Android application on Google Play. Good luck and all the best.